चौथे चरण की वोटिंग के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीए का मुद्दा नहीं छोड़ा। उत्तर 24 परगना के बनगांव में ममता ने कहा कि वो एनआरसी नहीं होने देंगे। एनआरसी करते देव ना, आसामे 19 लाख हिंदू बंगाली के बाद दिए चले। ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय को लेकर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि एनआरसी मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता पाने के लिए सीएए के तहत आवेदन भरना होगा। अगर केंद्र सरकार को मतुआओं से इतना प्यार है तो उन्हें सीएए फॉर्म भरे बिना नागरिकता देनी चाहिए। बोले तुम्हारे बाबा मायर सर्टिफिकेट नहीं, जन्मदिन ही जानी ना तो सर्टिफिकेट क्या नहीं आस बोलो सत्य की ना, मृत्यु दिवस जन्म दिवस जानी ना। आज के जो आपके बोले 50 बचर आगे का सर्टिफिकेट नहीं आसन पार्बे नहीं आसते अपन एक क्ज करजेपी प्रार्थी होके बोल तुम्हें प्रथम अप्लाई करो। तुम्हें क्यों अप्लाई करो ना? कारण विदेशी हो जाए। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के स्टार प्रचारक और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ममता पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। कितना बांटा बांटा ला? एक बार बांटा था लॉर्ड कर्जन, 1905 बंधन किया था लॉर्ड कर्जन। बंगाल में आंदोलन की वैसी ज्वालाएं जली थी कि बंग भंग का फैसला था वापस लेना था, और बांट रही है ममता बनर्जी, धर्म में बांट रही है, हिंदू मुसलमान धर्म में बांट रही है।